हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ मानसी रतुरी. सो जैसे कि आप जानते हैं, हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारे थिंकर्स के बारे में अब तक डिस्कस कर लिया है. सो आज हम बात करने वाले हैं पंडिता रमाबाई के बारे में. सो लेट्स बिगिन. पंडिता रमाबाई जो थी, वो बेसिकली सोशल रिफॉर्मर थी. उन्होंने बेसिकली वीमेंस के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे. और उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या कोशिश की है कि जो वीमेंस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, उसको कई हद तक ठीक किया जा सके. तो इसी सब के चलते उन्हें क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा. किसके थ्रू सहना पड़ा? जो कुछ ऐसे कंजर्वेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जो सोसाइटी के जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव सोच के होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पंडिता रमाबाई जी को क्रिटिसाइज़ किया. ओके, सो बेसिकली पंडिता रमाबाई का जो बर्थ है, वो महाराष्ट्र के एक इंटेलेक्चुअल हिंदू ब्राह्मण फैमिली में हुआ. उनकी जो फादर थे, वो संस्कृत के प्रोफाउंड पंडित थे, जिन्होंने अपनी वाइफ और बेटी को संस्कृत की एजुकेशन देकर और अपनी बेटी को पब्लिक लीडरशिप की ट्रेनिंग देकर इस तरीके की जो परंपरा को पूरी तरीके से तोड़ दिया. क्योंकि उन दिनों ये जो एरियाज होते थे, वो केवल मेंस के लिए प्रिविलेजेस का एक सब्जेक्ट माने जाते थे. क्योंकि उस ज़माने में क्या होता था कि जो एजुकेशन है और जितने भी राइट्स होते थे, वो ज़्यादातर मेंस को ही दिए जाते थे. तो उनके जो फादर थे, उन्होंने इस तरीके की जो परंपरा को तोड़ दिया. ठीक है, इसके बाद जब धर्मशास्त्रों के बारे में रमाबाई जानने लगी, तो उन्हें क्या पता चला कि सोसाइटी में वीमेंस के साथ कितना ज़्यादा बुरा हो रहा है, उनके लिए कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं, जो कि बिल्कुल यूज़लेस होते हैं. ठीक है, तो बिना किसी वजह से इस तरीके के रूल्स हर वीमेन को मानना पड़ता था उस वक्त की अगर हम बात करें तो. इसी के चलते उन्होंने पैट्रियार्की को भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया. पंडिता रमाबाई ने गलत तरीके के कस्टम्स को भी तोड़ा और वीमेन की लाइफ में कई तरीके की सुधार आने की कोशिश की. किस तरीके से? जैसे कि आप जानते हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था, लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी, 9 साल में 10 साल में 13 साल में. लेकिन पंडिता रमाबाई ने अपनी जो शादी है, वो उन्होंने कब की थी, 22 की एज में, और इस तरह की जो परंपरा को भी उन्होंने तोड़ कर रख दिया. 1880 में उन्होंने शादी करी. किससे की? एडवोकेट थे, वो बंगाली एडवोकेट थे और वो SC कैटेगरी से थे. तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी इस तरीके से तोड़ दिया. ठीक है, इसके बाद उनकी एक डॉटर हुई, जिनका नाम था मनोरमा. बट दुर्भाग्य से कुछ ही महीने बाद 1882 में उनके जो हस्बैंड थे, उनकी डेथ हो गई. ओके, 1882 में पंडिता रमाबाई ने कुछ सोशल रिफॉर्मर्स की हेल्प से पुणे में आर्य महिला समाज की नींव रखी, जिसका क्या ऑब्जेक्टिव था, वीमेंस का डेवलपमेंट करना, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करना. ओके, इसके बाद पंडिता रमाबाई ने हंटर कमीशन के सामने कुछ सिफारिश की. उन्होंने क्या बात कही कि 1882 में ही पंडिता रमाबाई ने हंटर कमीशन के सामने इंडियन वीमेंस को ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी एजुकेशन और ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ देने की मांग की, जिससे कि वो डॉक्टर बन सके और टीचर बन सके, उसके बाद वो दूसरे वीमेंस के वेलफेयर के लिए काम कर सके. ओके, अब क्या होता है, 1883 में पंडिता रमाबाई ने हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप जब उन्हें मिल गई थी, तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इंग्लैंड जाएंगी. तो वहाँ वो कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज के कांटेक्ट में आई और उनके जो काम को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही थी. तो इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी के साथ अपना जो धर्म है बदलने का, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब उन्हें अपना धर्म जो है बदल देना चाहिए, क्योंकि वो पहले हिंदू थी, तो अब वो क्रिश्चियन बन गई. जब वो भारत लौटकर आई, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अब अपनी जो पूरी लाइफ है, वो सोशल वर्क में ही लगा देंगी. ठीक है, इसके बाद उन्होंने हाई कास्ट हिंदू विडो रिहेबिलिटेशन के लिए 1889 में मुंबई में शारदा सदन नाम का एक आश्रम खोला, क्योंकि उस वक्त उनकी जो दशा है बहुत ज़्यादा ख़राब थी. ठीक है, देखिए, पंडिता रमाबाई ने ईसाई धर्म ज़रूर अपनाया था, लेकिन उनका क्या मानना था कि जिस तरीके के रेस्ट्रिक्शन हिंदू धर्म में होती थी, अगर क्रिश्चियन धर्म में भी कुछ इस तरीके की जो धर्म गुरु होते हैं, अगर वो कोई भी गलत बात बोलते हैं, तो पंडिता रमाबाई का क्या मानना था कि वो इस तरीके की बात मानने के लिए बिल्कुल भी वो तैयार नहीं है. यानी कि वो अगर जो ईसाई मिशनरीज होते हैं या वहाँ के जो जितने भी धर्मगुरु होते हैं, वो अगर कोई भी इस तरीके की बात बोलते हैं, कोई भी गलत चीज़ें बोलते हैं, तो वो उन चीज़ों को कभी नहीं मानेंगी. ठीक है, पंडिता रमाबाई के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, स्त्री धर्म नीति 1882 में आई, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी बुक है, वो है द हाई कास्ट हिंदू वीमेन. देखो, द हाई कास्ट हिंदू वीमेन जो इनकी बुक है, उसमें क्या चीज़ें बेसिकली है, जो हाई कास्ट की हिंदू वीमेन थी, उनके साथ किस तरीके से बुरा होता था, जो छोटी छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी और ओल्ड एज के पर्सन से उनकी शादी हो जाती, जब उनकी डेथ हो जाती थी, तो उन लड़कियों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाती थी. बहुत ज़्यादा उनके साथ पूरी लाइफ बुरा कर दिया जाता था उनके साथ, क्योंकि वो बहुत ही अर्ली एज में विडो हो जाती थी. ठीक है, तो इस तरीके की जो गंदी कुरीतियाँ होती हैं, इन सबसे ज़्यादा परेशान थी पंडिता रमाबाई. ओके, सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया हो.
जो रीडिंग्स होंगी इसकी वो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक मेंशन कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जाकर देख सकते हैं। और सारी रीडिंग्स जब आप पढ़ेंगे, तो जब आप ब्रीफ वीडियो देखेंगे तब जाके आपको बहुत अच्छे से, जब आप रीडिंग्स पढ़ेंगे तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इससे पहले हमने काफ़ी सारे थिंकर्स डिस्कस कर लिए हैं, स्वामी विवेकानंद जी, वीर सावरकर, अरबिंदो घोष, जिसके पास MPSC 004 है उन्हें पता होगा कि जो सिलेबस है थिंकर्स है बहुत ज़्यादा है। बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैं सबसे ज़्यादा लेकर आऊँ। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स है वो रहने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी, वीर सावरकर, पंडिता रमाबाई, और एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स भी आपको पढ़ना है। इसी के साथ आपको अरबिंदो घोष के बारे में भी पढ़ना है, और MS गोलवलकर को भी पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी पढ़ना पड़ेगा। इनका जो नेशनलिज्म पर इन्होंने क्रिटिक किया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपको MK गांधी के बारे में भी पढ़ लेना है। हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें कंप्लीट करें, ठीक है। और BR अंबेडकर के बारे में तो आपको डेफिनेटली पढ़ना है। इसी के साथ आपको MN रॉय के बारे में भी पढ़ लेना है, ठीक है। मोहम्मद इकबाल के बारे में भी पढ़ना है, इनका जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी बार पूछा जाता है। मौलाना मौदूदी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, और जिन्ना के बारे में भी आप स्किप कर सकते हो। मुस्लिम थॉट अगर आप पढ़ रहे हो तो सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल के बारे में आपको पढ़ लेना है, बाकी मौदूदी और जिन्ना के बारे में स्किप कर सकते हो। कम्युनिस्ट थॉट जब आप पढ़ोगे इसमें आप MN रॉय आपको पढ़ना है, EMS नंबूदरी पार्ट पढ़ना है। सोशलिस्ट थॉट में RM लोहिया और जयप्रकाश नारायण, ये हम कंप्लीट करेंगे वीडियोज़ के थ्रू। तो लेक्चर्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ज्ञान कोश में आपको सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी आप विजिट कर सकते हैं, ओके। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।